की सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। खेतों में किसान किसानी करते हुए आप देख रहे हैं कि गांव की रिपोर्टिंग के लिए सुनीता गौतम लगातार आपको नज़र आ रही हैं। जहां पे नज़र डालेंगे 2-4-10 लोग बैठे नज़र आते हैं, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल को देखते हुए जगह जगह गांव-गांव लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये गांव की तस्वीरें हैं। एक स्कूल की तस्वीर है। गांवों की तस्वीरें आपको हरियाली खेतों की नज़र आ रही होगी। आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी ब्लॉक सूरतगंज की हैं। आप देख रहे हैं, हम वहां के प्रधान से बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाएंगे की सोच, और मैं हूं आपके साथ सुनीता। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जिले में ब्लॉक सूरतगंज की ग्राम पंचायत पतौंजा में। यहां पे आप देख रहे हैं कि आज हम इधर निकल रहे थे तो हमें रास्ते में दिख रहे थे कि यहाँ पे जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है, वृक्ष लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है कि हरे हरे वृक्ष लगे होंगे। तो जो इतनी तेज़ धूप होती है तो इसके लिए जो है थोड़ा आने जाने वाले लोगों को, बाहर जो खेतों में रहते हैं उनके लिए राहत होगी। और यहाँ पे प्रधान के द्वारा जो है वृक्षारोपण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो है अमरूद का पेड़ लगा है और कई पेड़ ऐसे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है काम करने वाले लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे मौके पर प्रधान भी हैं जो आज यहाँ देख रेख करें, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ हम इन लोगों से बात करते हैं। शायद अभी अभी जो है इसमें कली में पानी लगाया गया है, इस वजह से जो है थोड़ा खेत जो है गीला है। क्या नाम है भैया जी आपका? विदानी। किस गांव में रहते हैं? बेकमपुर। अच्छा, ये जो पेड़ कब लगाए गए थे, आज लगाया कि या फिर पहले? पहले लगाया। तो इसमें आज देख रेख हो रहा? हाँ। और इसमें जो है किस किस चीज के पेड़ लगे हैं? आम है, अमरूद है, आम है, हरेन है, नींबू है। तो ऐसा क्या मतलब ये प्रधान के द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसा क्या सोचा कि वृक्ष लगाने के लिए कि वृक्षारोपण किया जा रहा है? मैं प्रधान जी जो है सबके जनता के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और एक वो भैया जी हैं, उनसे बात करते हैं। अरे तो खेत में पानी लगा तो गीला है। क्या नाम भैया आपका? कहाँ रहते हो? ये किस चीज़ का पेड़ है? सिर्फ इसमें जो है अमरूद के पेड़ लगे थे या फिर और भी कोई पेड़ है? कई प्रकार के पेड़। अच्छा, सागवन है, सागवन है, नींबू है, अमरूद है, आम है, आंवला है। तो ये तो अमरूद का पेड़ है ना? ये अच्छा कितने दिनों में तैयार हो जाता है, इसका कोई है अंदाजा? इसी साल लगे फल आने लगे। फल आने लगे अभी दो एक बार आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्रधान जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है। अच्छा, ये बताइए आज वृक्षारोपण आप करा रहे हैं यहाँ पे? ये जो है हो गया एक साल। अच्छा, तो आज पे इसमें जो है देख रेख हो रहा है। जी जी जी। तो किस किस चीज के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे? इसमें आम के हैं, नींबू के हैं, अमरूद के हैं, सागवान है। अच्छा अच्छा, आंवला भी है। तो ऐसा क्या सोचा कि आपने जो इतने सारे पेड़ लगा रहे हैं तो कुछ तो मन में होगा कुछ कि वृक्ष लगवाए जा रहे हैं क्या? क्योंकि पर्यावरण के लिए जरूरी है और छाया भी मिलती है, फल भी मिलेंगे। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं छोटे छोटे ये जो पेड़ लगे, ये जो है पौधे हैं, ये किस चीज़ के? सब्जी वगैरह के हैं? हाँ, ये इसके साथ साथ सब्जी बोई गई है। हाँ। इसमें जो बराबर पानी लगता रहेगा, पेड़ भी पानी अच्छा अपना खाएंगे। तो सब्जी जो है कितने दिन में तैयार हो जाएगी? दो महीने में तैयार हो जाएगी। दो महीने में? तो 2-2.5 महीने में सब्जी अपने लिए तैयार कर रही है या फिर लोगों के लिए? सभी के लिए। अच्छा, सभी के लिए, कि मतलब जो गरीब गुरबा है उनके पास सब्जी अगर नहीं है तो ले जा सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया काम आप कर रहे हैं कि ये जो है ये सब्जियाँ। तो अभी तो फिलहाल जो है शुरुआत है और हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे, घर से हम आपको दिखाते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, फूल लगे वहाँ पे खड़े, ये सब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं खड़े हैं यहाँ पे, ये पौधों की देख रेख कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है नालियां बनाई गई हैं, कि भी पानी हाँ। लगा है, तो आप देख सकते हैं कि किस नहीं, तरीके नहीं, से जो पौधे लगाने का जो प्रधान वो वृक्षारोपण करण वहज के ना रहे ऑक्सीजन जो
नहीं 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 लाए नहीं है, अब आ रहे हैं। वृक्षों की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कि हरे भरे वृक्ष जब लगे होते हैं तो। और यहाँ जो प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे जो सब्जियाँ उगाई जाएंगी साथ साथ में एक काम दो एक के साथ में कई काम किए जाएंगे, पेड़ तो तैयार ही हो जाएंगे और यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जियाँ भी तैयार हो जाएंगी 2-2.5 महीने में। तो प्रधान ने बताया है कि जो सब्जियाँ हम तैयार करेंगे वो लोगों के लिए, जो उनके ग्राम पंचायत में गरीब गुरबा हैं, जो परेशान हैं, सब्जियाँ समय समय पर नहीं खरीद पाते हैं, पैसों से दिक्कत है, तो वो सब्जियाँ यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी प्रधानों को सोचना चाहिए कि जो खेत खलिहान जो खाली पड़ा रहता है तो उसमें जो है सब्जियाँ उगाई जानी चाहिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया की सोच।